सेकंड एक नंबर है, एक नंबर और स्टार्ट। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो जैसे कि लास्ट ब्लॉग था जो कि मैंने हनुमानगढ़ से दिल्ली का डाला था, उसके अंदर जो लास्ट मैंने आपने देखा होगा क्लिप जिसके अंदर मैंने राइडिंग गियर शो किया था, तो आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई आप कौन से राइडिंग गियर्स यूज करते हो, आप इसका एक प्रॉपर वीडियो बना दो। तो मैं दिल्ली तो मैं इसलिए लेके आया था ताकि उसका एक प्रॉपर वीडियो बना दो, तो आपको दिखा दो। और बस वो वीडियो में शो होगा तो आप लोगों ने भी मैसेज कर दिया, तो मैं सोच रहा हूँ यही वीडियो बना लेते हैं, इसको घर नहीं ले जाते। और बेसिकली मैं लेके तो इसलिए आया था कि कोई राइड वगैरह प्लान कर हो जाएगी तो उसको यूज करूँगा। तो फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर हुआ तो उनको यूज़ करना ही करना पड़ेगा। सो गियर जो मैं यूज़ करता हूँ, और ये इसकी वीडियो तो आपने पहले देख ली होगी जो मैंने बनाई थी नीगार्ड की, ये प्रो बाइकर के हैं। और ये जो राइडिंग ग्लव्स है ये प्रो बाइकर के हैं मोटर स्पोर्ट। और ये जो राइडिंग जैकेट है ये राइडिंग ट्राइब की जैकेट है। और ये मैंने ली थी, जो जैकेट ली थी मैंने ली थी लाइट इन द बॉक्स से, और जो नीगार्ड ये भी लाइट इन द बॉक्स से ली थी। ये मैंने पहले लिए थे, बाद में लिए थे, क्योंकि मैं मतलब राइड अगर हो सकती है तो इसलिए मैंने ले के रख रखा है, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी राइड करनी है तो यार राइडिंग गियर्स तो प्रॉपर होने चाहिए। सो इसकी अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका फर्स्ट लुक, एंड देन जैकेट्स का भी दिखा देता हूँ आपको, और किस टाइप की क्वालिटी वगैरह की बात करते हैं इसके बाद। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीगार्ड से। तो इसकी वैसे तो मैंने आपको क्वालिटी बता दी थी, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है। तो ये है प्रो बाइकर की नीगार्ड, और काफ़ी बढ़िया नीगार्ड लगे मेरे को, मैंने इनको ट्राई किया है, फिर ये आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ। और जो अब इसकी जो प्राइस है वो रिड्यूस हो चुकी है, पहले मतलब 1300-1400 थे, बट अब 700 से 1000 की रेंज में। तो यार काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आप ले, अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करनी है, अगर वैसे भी अगर आप लेना चाहते हैं कुछ तो ये ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ है ये प्रो बाइकर के राइडिंग ग्लव्स हैं, और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, और रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर है ये, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं पैड वगैरह लगे हुए हैं ताकि अपने यहाँ पे हथेली भी कुछ ना हो। और ये देखिए आप, और अब जो मेन स्टफ है यानी कि हमारी राइडिंग जैकेट्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है राइडिंग ट्राइब की जैकेट है, और उसको ओपन करेंगे अपने, ये देखिए। तो ये है वो राइडिंग जैकेट, और राइडिंग जैकेट काफ़ी बढ़िया है, मैंने इसको एक दो बार यूज भी किया है, और इसलिए मैं दिल्ली ले गया था, क्योंकि पहले तो मैं जब मेरे पास राइडिंग जैकेट नहीं थी तो मैं दिल्ली से नहीं लेने वाला था, बट फिर मैंने मेरे को अच्छा ऑप्शन मिला तो मैंने वहाँ से ले ली थी। और अगर आपको चाहिए हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन रहेगा, वहाँ से जाएगा आप चेक कर सकते हैं। और अब अंदर से आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं, और जो इसका जो क्लॉथ है वो ब्रीथेबल क्लॉथ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी राइडिंग वगैरह करने के अंदर। और जो इसका बैक का प्रोटेक्टर होता है जो इसके साथ आया था, वो मैंने इसके पीछे लगा दिया पहले, ये देखिए आप देख सकते हैं। और आपको हो यहाँ पे शोल्डर के ऊपर भी गार्ड मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे भी आपको गार्ड मिल जाएगा, और सेम इसी तरह बैक पे भी है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया है। और जो प्राइस है, प्राइस जब मैंने इसको लिया था तो आई थिंक इसकी प्राइस थी 4000 के समथिंग, 4000 से 4500 के बीच। अगर अब कम हुई है तो आप चेक कर सकते हो, बाकी इसे हाई नहीं जाएगी, कम इसका रेट कम ही होगा अभी भी। और अभी मैं इसको पहन के दिखाता हूँ किस तरह की लगती है। और जब मैंने इसको मंगाया था तो आइडिया से मंगाया था, तो मुझे आइडिया था कि है मेरे एम आ जाएगा, सो एम के हिसाब से मैंने मंगाया था। तो अब इसको पहनते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बताना है किस तरह की लग रही है, बढ़िया लग रही है तो ठीक है, नहीं तो ट्राई करेंगे और कोई लेने का। तो ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी सी लंबी है, बाकी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे इसकी देखिए, यहाँ प्रोटेक्टर दिया है शोल्डर का, यहाँ पे प्रोटेक्टर है इस तरफ, और एक इस तरह प्रोटेक्टर है, बैक में मैंने पैड लगा दिया है। और आप देख सकते हैं कि लुकिंग काफ़ी अच्छी है लुकिंग, ये देखिए। सो इस रेंज के अंदर काफ़ी बढ़िया है, और अगर आपको लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन रहेगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। Breaking down the walls again.
वीडियो बना रहे हैं टेक्नो भाई बना रहे हैं और वीडियो के पीछे हाथ टेक्नो भाई का, तो आपसे मिलाते हैं एक बार। ये देखिए, यो यो यो, कैसे हो भाई? पीपल बहुत बढ़िया भाई। और टेक्नो भाई लेके आए हैं LS2 अपना और KTM 390। भाई तो आग लगा देंगे, जैकेट और पैंट और नी गार्ड भाई, बढ़िया लग रहे हैं ना भाई, एक नंबर भाई। मैं तो पता नहीं क्या सोच के ले ली सोले भाई साहब, मैं तो यही देता हूं जैकेट। सही है ना भाई, दोबारा मेल करूंगा, मेरे को भी चाहिए और मैं भी ऑर्डर करूंगा। अरे आपको दिलवाएंगे, टेंशन ना लो, अभी थोड़े दिनों में। ठीक है, आप सीधा नीचे चलते हैं, KTM चलाते हैं और देखते हैं, KTM चलाएंगे और राइडिंग गियर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं, परफॉर्मेंस देखेंगे भाई। देखो, अगर चीज ले लो, अगर मजा ना आए तो मत लो भाई, तो मत लेना, ठीक है? तो हम इसीलिए आपके लिए देखो वीडियो बनाते हैं ताकि आपको पता चले कि क्वालिटी कैसी है ना। तो क्वालिटी देखेंगे हम और फिर आप लोगों को बताएंगे कि आपके लेने लायक है या नहीं। क्योंकि मैं K2K राइड पे गया था तो मैंने सोलेस की जैकेट ली थी, तो हम ये जैकेट को टेस्ट करेंगे। तो अब हमारे एक्सपर्ट हैं, वो हमारी बाइक चला के देखेंगे, KTM 390 चला के देखेंगे और बताएंगे भाई। नी गार्ड्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, बैठा है, पता नहीं बैठा जाएगा। बैठो, क्या बात है, पहली बार में बैठ चुके हैं हमारे राइडर साहब। चलो चले तो भाई, वेरा कैमरा करा दो, इनको हैंड ओवर, अपने दोनों चलते हैं। तो भाई करेंगे हमारी स्टार्ट गाड़ी को। LS2 बताना कैसे लग रहा है, ठीक है? पहनता हूँ मैं भाई साहब, मैचिंग है, बिल्कुल बिल्कुल मैचिंग है, बिल्कुल मैचिंग। अरे बाबा, ये देखो, चले सही, आगे बैठो, चलते एक नंबर है, एक नंबर। करो स्टार्ट, तो कैसा फील हुआ भाई? पावर एक नंबर है भाई KTM में। और जैकेट का क्या कहना? जैकेट भाई परफॉर्मेंस ठीक है। अच्छा, पर पावर गाड़ी में एक नंबर, मजा आ गया ना? फुल भाई, फुल। जब पहली बार चलाई थी ना उस टाइम, हाँ, तब ऐसा पता नहीं चला था इसमें इतनी पावर है, बट आज भाई एक नंबर पावर लगी। सर्विस करा ली ना? हाँ, अपने बैठ के चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। चलो like a wave returns to the sea into the blue, may change but in a cycle that I can't lose, each painful but delightful to live through. सेकेंड चीज़ है, अगर आप कभी भी कोई राइडिंग जैकेट परचेज करते हैं तो यार कोई कॉपी मत परचेज कीजिए। अगर आप कोई छोटा ब्रांड है वो ले सकते हैं, अगर आपको हाई ब्रांड अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप छोटा ब्रांड ले सकते हैं, बट ब्रांड की लीजिए, क्योंकि अगर कॉपी लोगे तो यार आपको इन फ्यूचर उसमें दिक्कत आएगी आएगी। सो मैंने काफ़ी लोगों को देखा, अल्पाइन स्टार की कॉपी ले लेंगे, वो कॉपी ले लेंगे, तो आप यार कॉपी में इतना पैसा खर्च करते हो तो यार कोई छोटा ब्रांड है उसकी आप ले सकते हो। राइनॉक्स की काफ़ी बढ़िया आती है यार जैकेट्स, तो यार जैकेट्स ये भी काफ़ी अच्छी हैं, और जो इसका परचेज करने का डिस्क्रिप्शन से रहेगा और कोई कूपन कोड मुझे मिला तो वो मैं आपको दे दूंगा ताकि इससे आपको और ऑफर मिल जाए। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लेना ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।